वाराणसी कोर्ट से बड़ी खबर यह आ रही है कि ज्ञानव्यापी सर्वे की रिपोर्ट जो आज अदालत में जमा होनी थी, इसे लेकर जो विशेष कोर्ट कमिश्नर हैं विशाल सिंह, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि दो दिन का वक्त और मांगा गया है अदालत से। कोर्ट में रिपोर्ट जमा की जानी थी आज 17 मई तक का अदालत की तरफ से वक्त दिया गया था, लेकिन अब जो विशेष कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि अदालत से दो दिन का वक्त और मांगा गया है ये रिपोर्ट जमा करने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे वाराणसी कोर्ट परिसर से। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, क्या आधार बताया गया है दो दिन का वक्त जो और मांगा जा रहा है रिपोर्ट जमा करने के पीछे? देखिए, मैं बताऊं कि पहले 12 बजे इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जो जानकारी मिली है वो है ये कि 2 बजे इस पर सुनवाई होगी और इस वक्त दो याचिकाएं। सबसे बड़ी और अहम बात ये है कि जो तीन कोर्ट कमिश्नर हैं उनमें से एक विशाल सिंह, उनकी एक याचिका ये है कि सिविल जज जो हैं रवि दिवाकर उनके सामने में, कि वो चाहते हैं कि चूंकि ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसको बनाने में अभी वक्त लग सकता है, उसको सिलसिलेवार तरीके से तीनों कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह बैठकर आपस में बातचीत करके बनाएं, इसके लिए दो दिनों का वक्त वो चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक याचिका दायर कर दी है कोर्ट के अंदर में और इस पर 2 बजे में सुनवाई होगी। उसी में फैसला होगा कि आखिर कोर्ट इनको कितने दिनों का, कितने घंटों का मोहलत देती है। ये कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्योंकि ये तीन कोर्ट कमिश्नर्स थे जो इस सर्वे टीम का हिस्सा रहे, अभी तक क्या इन्होंने अलग अलग अपनी रिपोर्ट बनाई थी? क्या ये एक ही रिपोर्ट होगी जो अदालत को सौंपी जाएगी या ये अलग अलग अपनी रिपोर्ट्स अदालत को सौंपेंगे, ऐसी कोई जानकारी पंकज? देखिए, अभी तक इस बात को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है कि तीनों अलग अलग देंगे या फिर तीनों एक साथ मिलकर देंगे, क्योंकि कल भी इन तीनों की आपस में बैठक हुई थी और अब जाकर ये बात सामने आ रही है कि तीनों अलग अलग रिपोर्ट देंगे तो फिर उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि तीनों कोर्ट कमिश्नर, जिनका नाम मैंने लिया कि विशाल सिंह, अजय मिश्र, अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह जो हैं, ये तीनों मिलकर आपस में बातचीत करके एक ही सर्वे रिपोर्ट दें कोर्ट के अंदर और इसके लिए 2 दिनों का वक्त चाहते हैं। 2 बजे इस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि वो आखिर कितने दिन और कितने घंटे का मोहलत इस मामले में देती है, क्योंकि 17 तारीख को डेडलाइन है जब सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाना था कोर्ट के अंदर। बिल्कुल, और 17 तारीख तो आज है, मतलब डेडलाइन आज की थी, लेकिन अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो 2 दिन का और वक्त मांग रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं अजय दुबे, हमारे सहयोगी, वो भी वहीं कोर्ट परिसर से मौजूद हैं और उनके साथ कुछ वकील हैं, कानून के जानकार हैं। अजय, जरा समझिए आपके साथ जो मेहमान मौजूद हैं कि ये जो मांग रखी गई है विशेष कोर्ट कमिश्नर की तरफ से 2 दिन की मोहलत रिपोर्ट जमा कराने के लिए, इस पर क्या चर्चा हो रही है? देखिए, जब सुबह निकले थे विशाल सिंह घर से, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही थी वो ये कि जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है, जो भी डेटा संकलित हुआ है, उसके ग्रामेटिकल एरर और तमाम जो दूसरी जांच है वो रह गई है। अब जब कोर्ट में ये बात उठ गई है, 2 दिन का समय मांग लिया गया है और दूसरा एक और मामला है उसको लेकर भी, कुल 2 मामलों को लेकर कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होगी। हमारे साथ मुन्ना लाल यादव जी हैं, यहाँ के बार काउंसिल से जुड़े हुए। सर, क्या बातचीत हुई अंदर, आप तो थे मौजूद? जी, सुबह 10:30 बजे एक एप्लीकेशन DGC सिविल की तरफ से माननीय न्यायालय सिविल जज साहब के यहाँ पड़ी हुई है और उसमें ये कहा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो तालाब में कल मछलियाँ मिली थी उनको संरक्षित करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। दूसरा प्रार्थना पत्र कोर्ट कमीशन की तरफ से 2 दिन का समय मांगा गया है कि कोर्ट कमीशन की जो कार्यवाही समाप्त हुई है उसकी रिपोर्ट बाकायदा तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है और वो वक्त लगभग 2 दिन का लग सकता है, इसलिए 2 दिन का समय मांगा गया है और ये 2 एप्लीकेशन न्यायालय में पड़ी हुई है और इस 2 एप्लीकेशन पर 2 बजे सुनवाई होनी है। एक और बात रुमाना, आप जो भी जिक्र कर रही थी कि क्या कुल कितनी रिपोर्टें हैं, तो कल ऑन रिकॉर्ड विशाल सिंह जब सर्वे करके बाहर निकले थे, एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए तीनों जो लीगल अधिकारी थे, तीनों जो कमिश्नर थे, वो उन्होंने बात करते हुए बताया था कि तीनों ने अलग अलग रिपोर्ट तैयार की है जो कि जमा की जाएगी कोर्ट में। और आज जब घर से भी निकले हैं तो जो 2 लोगों को ट्रैक हमने किया, एक अजय प्रताप सिंह और दूसरा विशाल सिंह, तो उनके हाथ में एक अलग अलग जो अलग अलग है पूरी फाइलें थी, तो सुबह स्थिति जो थी वो स्पष्ट होती दिख रही थी कि अब इसको लेकर बात आगे बढ़ेगी। 2 बजे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जैसा कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है तो नजर कोर्ट ने उस पर भी बनाई है। 2 बजे तक बहुत हद तक चीजें जो है स्पष्ट होंगी और बड़े विस्तार से यहां पर वकील बता रहे हैं किस तरीके से 2 याचिकाएं जिन पर दोपहर 2 बजे जो काशी की कोर्ट है वहां पर सुनवाई होनी है। ABP News आपको रखे आगे।